एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ओम गुरुकुल एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आपको पता है कि मैं टाइम टू टाइम आपके लिए अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। 73,000 प्लस आपकी वैकेंसीज एसएससी में आने वाली हैं और मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि आई एम क्रिएटिंग अवेयरनेस विच हेल्प्स यू मेक बेटर डिसीजन एंड बेटर स्टेप्स इन योर फ्यूचर एंड योर अपकमिंग एग्जाम्स। और मैं छोटी सी बात और भी कहना चाहूँगा, होस्ट माई टेक्स ऑन अवेयरनेस इन द सक्सीडिंग वीडियो will help you get there, okay? तो मेरा मतलब ये है कि मैं जो आपके लिए वीडियोस लेके आता हूँ इन्फॉर्मेशन के लेके, वो कहीं ना कहीं आपको अवेयरनेस दे रही हैं। कंटेंट पढ़ाने का काम तो सब लोग कर रहे हैं, मेरा मेन काम रहता है कि मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स देता रहूँ और मैं एसएससी से आरटीआई लगा के आपको पूरी मतलब जानकारी देता हूँ मैं कि कितनी वैकेंसी आपके किस किस पोस्ट पे किस किस डिपार्टमेंट में आने वाली हैं और आपकी कट ऑफ भी आपके आगे कौन कौन सी एग्जाम्स की आने वाली है। मैं सारी वीडियोस पे काम करता हूँ क्योंकि गुरुकुल अकेडमी का मेन मकसद यही है कि लोगों के बीच आप अवेयरनेस फैलाइए और साथ साथ पढ़ाई भी दीजिए, जिससे कि जो लोग दूर दराज गाँव के उनको पता होना चाहिए कि एग्जाम का ट्रेंड, एग्जाम का लेवल कैसा है, ठीक है ना। तो आज मैं आपसे बात करता हूँ कि एसएससी 2022 में कितनी वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट का एक ईमेलिंग प्रोग्राम चल रहा है जिसमें क्या है, मिशन मोड आप सब, उन्होंने बोला है कि मिशन मोड में लिखा गया है कि 2022 से 2023 की एक साइकिलिंग होनी है जिसमें आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सब की सब आपको जॉब्स देनी है और 2023 के एंड तक वो जॉब्स आपके पास होनी चाहिए। तो 73,000 प्लस अगर मैं आपसे बोलूं तो 70,000 यानी कि 73333 यानी कि 73,333 एग्जैक्ट टिल 5 सितंबर तक की आपकी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। अगर मैं बोलूं आपसे कि डीओपीटी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि डॉप्ट, सही है, डॉप्ट क्या है, डॉप्ट आपका एक आयोग है, मैं बोल सकता हूँ कि इसकी फुल फॉर्म होती है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जिसने रिपोर्ट मांगी एसएससी से कि मुझे ये बताइए कि आपकी जो वैकेंसी है कितनी खाली है, मुझे तुरंत बताओ। तो उन लोगों ने फिर अभी फिर 5 सितंबर तक, जिसको बोल सकते हैं आप, टेंटेटिव वैकेंसीज दी हैं जो कि घट या बढ़ सकती हैं, बट इलेक्शन सीजन को देखते हुए वैकेंसी आपकी और बढ़ेंगी। तो मैं आपसे कहूँ कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी बढ़ गई हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ, शो आपको हो रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। अगर मैं बात करूँ आपसे सीजीएल का, तो सीजीएल की वैकेंसी अभी तक आपकी 20,000 थी, उन्होंने खुद बोला था कि अप्रॉक्स टेंटेटिव वैकेंसी कितनी 20,000, अब आपकी 814 वैकेंसी और बढ़ गई हैं। मैं आपसे कहूं कि सीएचएसएल आपका जो इसमें पीए एंड एसए की पोस्ट हटने के बावजूद भी आपकी वैकेंसी 2960 है, ये एक बड़ी वैकेंसी, इसमें आपको अच्छी पोस्ट देखने को मिलेंगी। और आपसे चलता हूं आगे, एमटीएस 2022 थोड़ा सा नाखुश कर रहा है हमको क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे 4682 है, बट मैं अगर आप बोलूँ कि आपसे 2 साल पहले की वैकेंसी आप देख रहे हैं ना कि हवलदार की ऐड होने के बाद आपकी वैकेंसी 7,000 कुछ गई थी, बट यहाँ पर वैकेंसी नॉन हवलदार यानी कि सिर्फ एमटीएस की वैकेंसीज है 4682, तो एक बड़ा नंबर है, आपके कट ऑफ ठीक ठाक रहेगी यहाँ पर भी। और बोलूँ डीपी एमटीएस, ये आपका दिल्ली पुलिस में एमटीएस की जो जॉब होती है, प्रोफाइल होती है, उसमें आपकी है 777777 आपकी वैकेंसीज है। मैं चलूँ आपके पास सीपीओ ले चलता हूँ, सीपीओ में आपकी पोस्ट होती है एसआई की, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, जिसमें आपकी वैकेंसी है 4300, एक बहुत अच्छी वैकेंसी है क्योंकि आपकी वैकेंसी अभी तक देख रहे हैं कि 1 से 2 हज़ार के बीच आती थी, अब काफ़ी डबल की रेशियो में आई है। मैं बोलूँ स्टेनोग्राफर, बाप रे बाप, भाई 700-800 वैकेंसी आपको देखने को मिलती थी, बट अब कितनी है आपके पास, 2143, जो कि आपकी ये टेंटेटिव वैकेंसी जिसमें आप हर एग्जाम में बैठ सकते हैं अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है, और साथ के साथ में ये वैकेंसी बहुत बढ़िया स्टेनो की आपको तैयारी करनी चाहिए और आपको एग्जाम भी क्रैक करना चाहिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में आपकी कट ऑफ 80 से 90 नंबर गई थी, देखिएगा आप, बट इतनी वैकेंसी होने के बावजूद भी अगर आप सिलेक्शन ना ले पाए तो फिर कुछ नहीं, ठीक है ना। आगे चलता हूं मैं, कुछ और वैकेंसी जो आपकी पूरी या आपकी फुल आपकी इंफॉर्मेशन है कि सीपीडी आपका एक एजुकेशन का डिपार्टमेंट होता है, उसमें आपकी 6433 वैकेंसी है। सीजीएल आपको दे चुका हूँ, 10+2 आपको बता चुका हूँ, आपका है सीटीजीडी जिसमें आपका 24,605 आपकी वैकेंसी है। इसका मतलब होता है कि जीडी जो आपकी पोस्ट होती है ना एसएससी जीडी, वो उसमें आपकी वैकेंसी है 24,605। चलता हूँ डिपार्टमेंट आपका दिल्ली पुलिस में एमटीएस का पोस्ट आपकी इतनी वैकेंसी है, आपकी ये पोस्ट होती है आपकी इंजीनियरिंग की जिसमें आपकी वैकेंसी है 2959। अब आप चलते हैं जेएसटी आपकी
आपको 453 कम वैकेंसी बट आपकी काफी है। और चलता हूँ मैं आपके आगे MTS, MTS में आपकी वैकेंसी आपको शो करा चुका हूँ 4682। आगे चलिए IMD की वैकेंसी आपकी 950 है। और चलिए आगे आप SI CPO में देखिए आपकी वैकेंसी है 4300। और चलिए आप SPPXI में आपकी वैकेंसी है 2657। और चलिए आगे आप स्टेनोग्राफर में, इसमें आपकी वैकेंसी है 2143। टोटल अगर आप इसका ऐड करेंगे तो आपकी वैकेंसी बन जाएंगी 73,333। मैं बोल लूँ ये उन्होंने लिख रखा है अपने मेमोरेंडम में, लिखा हुआ है भाई कि जितनी वैकेंसी अभी आपको दी गई हैं ये वैकेंसीज आपकी टिल 5 सितंबर तक की पूरी आपकी इन्फॉर्मेशन तक है कि जितने डिपार्टमेंट्स ने अपनी यहाँ तक वैकेंसीज को रिलीज किया है, बट उतनी ही वैकेंसी बस उन्होंने सो किर कराई है। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई आपके एग्जाम मेंस तक होने तक आपकी जो वैकेंसी है ये आपकी बढ़ के 25,000 प्लस हो सकती है मेरे भाई, ठीक है ना। तो प्लीज लगे रहिएगा और आपको मैं टाइम टू टाइम बताने आता रहूंगा कि किसकी कितनी कट ऑफ जाने वाली है। अब मैं आपको शो करूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि CGL की रिगार्डिंग कितनी पोस्ट है आपकी, और कितना क्या उनका वर्क प्रोफाइल है, उनकी सैलरी क्या है, उनकी डे ऑफ वर्किंग क्या है, और उनका कितना दबदबा है, कितनी धाकड़ जॉब है आपकी, ठीक है ना। उस सब के बारे में आपसे बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, साथ रहिए और साथ रह के मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि ये आपकी 6 महीने की आपकी जो वैकेंसी का जमा वाड़ा है वो आपको क्रैक करना है, क्योंकि ये इसके बाद आपको वैकेंसीज 2027 में देखने को मिलेंगी। तब तक आपको वैकेंसीज कम रेशियो में मिलेंगी, इसलिए 20,000 वैकेंसीज बहुत बड़ा नंबर है, आप लोग उसमें जॉब प्लीज जरूर लीजिएगा। अब मैं अपनी बात को रोकना चाहूंगा क्योंकि मैं सारी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुका हूं और इस CGL में कितनी पोस्ट है आपकी और उनका वर्क प्रोफाइल क्या है, उनकी सैलरी क्या है, इस सब पे बात करूंगा, और किस पोस्ट में कितना दम है, कितनी पावर है, और राउंड अबाउट तो नहीं, अंडर द टेबल आपका डीएम पूछा जाता है कि कितना क्या पैसा मिलता है अराउंड द टेबल, सब बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, इस इमोजी के साथ आप भी खुश रहिए क्योंकि ये खुशी का मौसम है ना। हम लोग चाहे अकेले हैं, कहीं भी पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक 20,000 वैकेंसी आने के बाद एक वो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आ चुका है कि हम लोग एक पोस्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही मैं अवेयरनेस वीडियो लाता रहूंगा जिससे कि आपको पता चलता रहे टाइम टू टाइम कि वैकेंसी कितनी बड़ी है, क्या कम हुई है, कितनी कट ऑफ क्या है। मैं इन सब पे काम करता हूँ, ये पसंद भी है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं आपको अवेयरनेस देता रहूँ पढ़ाई के साथ साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते रहिए ओम गुरु अकेडमी चैनल जो आपका सबसे प्यारा चैनल है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद और खुश रहिए।